हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, आप सभी ने घर में पुताई वगैरह कभी काम होते हुए देखा ही होगा। यदि नहीं भी देखा हो तो बाज़ार जाइए, बाज़ार से थोड़ा सा चूना जिससे पुताई करते हैं घरों में दीवार पर, वो लेके आइए। उस चूने को आप एक छोटे से ग्लास में डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें, तो आप देखेंगे एकदम से उसमें बुलबुले उठना चालू हो जाएंगे। और उस ग्लास को हाथ लगा के देखिए आप, तो क्या होगा, आपको महसूस होगा कि वो ग्लास गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये देखिए, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये पेन का कैप है, ये पेन है। मैंने इन दोनों को कंबाइंड किया, ये एक चीज़ बन गई। इट मीन्स दो चीज़ों से मिलके कोई एक चीज़ बन रही है तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बाज़ार जाइए, बाज़ार से चूना लाइए, उस चूने को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। क्या बोलते हैं उसे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। उस चूने को आपने क्या किया, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया और उस चूने को थोड़ी सी अमाउंट में पानी में डाल दिया, तो ये है वाटर H2O, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। वाटर H2O इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी बनेगा, चूने का घोल बनेगा पानी के साथ, वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम। इस चूने के घोल का यूज़ हम वाइट वॉशिंग यानी पुताई में करते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम वाटर से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो ये हुई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और देखते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं, तो ये बन जाती है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये भी देखो आप, यहाँ पर एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट एक मिल रहा है। जब भी दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी सारी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देखते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं हम प्लस ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं हम, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं वाटर H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है H2O, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बैलेंस और कर लेते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 to the 4, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 रह गए, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 to the 4, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, तो केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अभी हमने बात करी थी जब हमने चूने को पानी में डाला था और उसमें बुलबुले उठे
और हमने देखा उसको हाथ लगा के, तो वो ग्लास आपको गर्म लगेगा। तो जो ग्लास गर्म लग रहा है, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हिंदी में सुनना चाहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए, ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अच्छा, आप सभी लोग खाना खाते हो, खाना खाते हैं, जो खाना जाता है उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि नहीं? हम जो खाना खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, जो भी खाते हैं, उन सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के थ्रू काय में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? आपकी सेल्स में पहुँच जाता है। आप सांस लेते हो, सांस से ऑक्सीजन सेल में पहुँचती है। तो ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ आपके खाने से, ये उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो जो हम खाना खा रहे हैं और उसके थ्रू जो रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो आपको एनर्जी देती है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस O2, जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये सेल से, ये ग्लूकोज सेल से के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके C6H12O6 क्या देता है? एनर्जी। ये एनर्जी हमारे काम करने के काम में आती है। हम जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो ये ग्लूकोज था, C6H12O6, सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, आपने देखा होगा घर में कभी कोई चीज़ सड़ती है, कोई वेस्ट मटेरियल, वेजिटेबल वेस्ट, खाना यदि आप पानी में डाल के पटक दो तो वो सड़ने लगता है, तो उसमें बुलबुले उठते हैं और हल्की सी गर्मी वाली फीलिंग आती है। उसको हाथ लगाओगे उस बर्तन को तो गर्मी वाली, तो वेजिटेबल वेस्ट का भी सड़ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है। जिस रिएक्शन के कंप्लीट होने पर आपको हीट प्रोड्यूस होती हुई महसूस हो, वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी।